नमस्ते। आज हम वॉल हैंगिंग बनाएंगे, उसके लिए ये सारा सामान लगेगा। कुछ ब्रशेस पेंट करने के लिए, आप कोई भी पेंट यूज कर सकते हो आपकी चॉइस का, मिरर्स या बीड्स वगैरह, कोई भी डेकोरेशन या बॉटल्स हैं जो हमारे घर पे होंगे। तो हो सकता है कि बहुत सारा सामान आपके घर से ही निकल जाए, आपको मार्केट में नहीं जाना पड़े। ये कॉर्ड है, फेविकॉल ग्लू, फेविस्टिक, बहुत सारे धागे के कलर्स, आपका चॉइस है आपको कौन से कलर के धागे चाहिए। मैं बहुत सारे कलर्स यूज करने वाली हूँ। चलो शुरू करते हैं। हमने बॉटल को काट दिया है लेंथ के हिसाब से, आपको जो भी लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप बॉटल को काट दोगे। उस पे आप फेविकॉल या कोई भी अच्छा ग्लू लगाओगे। जो कॉर्ड है उसको हम रैप करेंगे, पास पास में रैप करेंगे, थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाएंगे और कॉर्ड को रैप करते हुए हम पूरा एरिया कवर करेंगे। तो पूरी बॉटल कवर हो जाएगी ये कॉर्ड से। ऐसे हम दबा दबा के उसे अच्छे से स्टिक करेंगे। ये कंप्लीट होने पर इसे हम कलर भी कर सकते हैं। आप कोई भी कलर आपकी चॉइस का ले सकते हो, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर, फैब्रिक कलर। ब्रश से इसे अच्छे से हम कलर कर देंगे, डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा जो बॉटल है उसको भी हम काटेंगे। दूसरी बॉटल को काटने के बाद उसमें भी ग्लू लगाकर हम कवर करेंगे कॉर्ड के साथ। मुझे दो लेयर्स चाहिए वॉल हैंगिंग में। अगर आपको दो के बदले ज्यादा लेयर्स चाहिए तो आप ये रिपीट करते जाओगे, जितने लेयर्स चाहिए उस हिसाब से। ये कवर होने के बाद हम इसे भी कलर करेंगे। जब कलर कर लेते हैं तो तब का तब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसे सूखने के लिए थोड़ी देर साइड में रखेंगे। ये हमारे दोनों लेयर्स कलर हो चुके हैं। डेकोरेशन के लिए पेपर बीड बना रहे हैं। कॉर्ड को ऐसे डायगोनली रोल करेंगे पेपर के साथ और एजेस को स्टिक करेंगे ग्लू से। ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स रेडी हो गए हैं, उनको दबा के थोड़ा फ्लैटन कर सकते हैं। ये फ्लैट हो चुके हैं, थोड़ा सा फ्लैट हो गया, ये कॉर्ड्स रेडी हो गए। ये जो कॉर्ड्स हैं हम पेपर बीड्स के लिए यूज कर रहे हैं। इसको हम ऐसे राउंड स्क्रोल करेंगे और स्टिक करेंगे एजेस को। इसको हम राउंड भी रख सकते हैं या प्रेस करके कोई शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहिए तो जो कलर का पेपर है वैसे भी छोड़ सकते हैं या फिर हम कलर भी कर सकते हैं। तो आप पेंट, एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर या फैब्रिक कलर, पर्ल कलर से कर सकते हो। ये मेरे डेकोरेटिव रेडी हो गए। अभी टैसल रेडी कर रही हूँ। टैसल के लिए धागे को हाथ पे ऐसे रैप करना है। जितना आपको टैसल मोटा चाहिए उस हिसाब से आप रैपिंग कर सकते हो। फिर एक तरफ आप धागे से ऐसे गोल घुमाते हुए इसे जोड़कर नॉट कर दोगे, दूसरी तरफ आप इसे काट देंगे। फोल्डेड एरिया काट दिया और उसको लेवल करेंगे सीजर से। हम काट के इसको अच्छे से लेवल करेंगे। इस पे हम कोई भी एम्बेलिशमेंट लगा सकते हैं, मतलब कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं या प्लेन भी छोड़ सकते हैं। फेवी बॉन्ड से मैंने डेकोरेशन चिपका दिया। ये जो फोल्डेड एरिया है इसमें मैंने कॉर्ड को गांठ मान ली है। नॉट करने के बाद ऐसे मैं बहुत सारे टैसल्स रेडी कर सकती हूँ। कलर कॉम्बिनेशन आपकी चॉइस का हो सकता है। बॉटल को राउंडर से या फिर मोटी नीडल से होल कर सकते हैं, जहां भी मुझे ये टैसल्स अटैच करने हैं।
डिस्टेंस आपके ऊपर है, आपको कितना पास में या दूर लगाना है ये टैसल्स। इसको डेकोरेट करना है जो हमने पेपर बीड्स बनाए थे उससे। अगर आपको पेपर बीड्स नहीं लगाने हैं तो आपके घर पे जो भी डेकोरेशन का सामान है या आप मार्केट से खरीद सकते हो, मिरर्स वगैरह बीड्स कुछ भी लगा सकते हो या प्लेन भी रख सकते हो। दूसरा भी जो लेयर है उसे भी मैं ऐसे ही डेकोरेट करूंगी। डेकोरेट करने पे बहुत सुंदर लगता है। ये डेकोरेट हो चुका है। अभी ये जो ढक्कन होता है बॉटल का उसमें नॉट मारकर मैंने बॉटल से निकाल दिया, तो ढक्कन की वजह से ये धागा टिका रहेगा। और दूसरा भी जो लिड है उसमें से भी मैंने धागे को पास किया है, तो एक लिड नीचे की तरफ है जो धागे को अटैच कर रहा है बॉटल से, और दूसरा मैंने ऊपर डाल दिया है। इसको टर्न कर दूंगी और इसको धागे को टर्न करते हुए गांठ मारेंगे, तो लिड बंद हो गया है और ऊपर एक लूप रेडी हो गया है। मेरा वॉल हैंगिंग रेडी हो गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत आसान है इसे बनाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और भी ऐसे ऑप्शंस मैंने बनाए हैं जो मैंने अटैच किया है इस वीडियो में, आप देख सकते हो ये सेकंड ऑप्शन। और ऐसे बहुत सारे वॉल डेकोरेशंस आप बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।